हेलो स्टूडेंट्स चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं कि आज हमने एक फंडामेंटल्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और अक्सर इस टॉपिक की जरूरत हर जगह पड़ती है और आप भी इस चीज़ के बारे में जानते हो क्योंकि आज अगर हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं ना तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर के पास मेमोरी है और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर जब मेमोरी की बात आती है तो भी मेमोरी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी मेमोरी का हम क्या क्या उपयोग करते हैं उन्हीं चीजों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं कि चलते हैं हमारी मेमोरी के बारे में कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो देखते हैं सबसे पहला हमारा आज का जो कंटेंट है उसी चीज़ के ऊपर अपन समझते हैं कि मेमोरी क्या होती है मेमोरी मतलब होता है दिमाग और कंप्यूटर के पास भी वैसे ही दिमाग है जैसे आपके पास होता है हमारे पास होता है सभी लोगों के पास क्योंकि हमारे पास भी दो प्रकार का दिमाग होता है एक वो जो हमें परमानेंट याद रखते हैं और कुछ वो जिन एक्टिविटीज़ को हम याद नहीं रखते अगर हमने किसी को पैसा उधार दिया है तो अक्सर हम लोग उसे याद करके रखते कितने समय बाद भी कुछ होता है तो याद रहेगा उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है और इनकी कार्य प्रणाली इनका वर्किंग करने का स्टाइल इनकी ये होती क्या है तो चलते आज हम इस चीज के बारे में देखते हैं तो पहले शुरू करते हैं मेमोरी कितने प्रकार की होती है और मेमोरी के अंदर कौन सी चीज का क्या उपयोग होने वाला है उन चीजों के बारे में अभी अपन लोग देखते हैं तो चलिए हमारे पास आ गई मेमोरी कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही बैठता है अक्सर कि कंप्यूटर हम अगर यूज करते हैं तो कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है समझाइए आगे चल के हम लोग हर एक चीज के बारे में और पढ़ते जाएंगे हमारा एक एक चीज एक एक वर्ड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड आप कोर्स कर रहे हैं तो फंडामेंटल को जरूर सीरियसली लीजिए क्योंकि ये आपके लिए एक जनरल नॉलेज के साथ साथ आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है तो अगर मैं मेमोरी की बात कर तूँ तो हमारे पास दो प्रकार की मेमोरी होती है एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर होता है कैसे कैसे और किस लिए यूज करते हैं इसको अपन समझते पहले जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ काम कर रहे हैं अभी मैं कुछ वर्क कर रहा हूं मान लीजिए मैं एमएस एस वर्ड के अंदर काम कर रहा हूं काम करते करते मैंने दस लाइन टाइप करी और टाइप करते लाइन टाइप करी और लाइट चले गई तो मेरा पूरा डेटा चला जाता है वापस नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया जैसा मोबाइल में भी हो रहा सेव नहीं किया तो चला जाएगा परंतु जैसे मैंने सेव किया तो मेरा डेटा कहीं तो जाता है जो बाद में मिल जाता है तो हम इस मेमोरी के अंदर इन्हीं चीजों को समझते सबसे पहले हमारी मेमोरी दो प्रकार की होती है जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जाता है कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है तब आप बताएंगे कि हमारी मेमोरी एज अ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी नंबर वन ज अ प्राइमरी मेमोरी एंड नंबर टू इज अ सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे पहले प्राइमरी को समझते प्राइमरी मेमोरी में भी जब बात आती है कि यह कितने प्रकार की होती है तो इसको भी समझ लीजिए प्राइमरी मेमोरी को भी कंप्यूटर में दो अलग अलग सेक्शन में बांटा गया नंबर वन रोम रेम एंड रोम रोम, रोम एंड रेम इन दो चीजों के अंदर बांटा गया तो अभी हम दोनों चीजों को पढ़ने वाले रोम क्या आती है रेम क्या आती है इन दोनों चीजों को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मैं यहां पर इस पूरे लेक्चर में आपको बताने वाला हूं मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट इन हंड्रेड एंड वन परसेंट आपको मेमोरी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा बात करते हैं सबसे पहले हम रोम की बात करते हैं देखिए रोम क्या होती है लाइक रीड ओनली मेमोरी अभी हम इस रीड ओनली मेमोरी के अंदर बात करने वाले हैं तो रीड ओनली मेमोरी में चलते हैं अपन सबसे पहले हमारे पास दो प्रकार की मेमोरी है रेम और रोम तो चलते हम पहले रोम को पढ़ने वाले हैं चलिए रोम क्या होगा रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर एक ऐसी चिप लगी होती है जिसे हम बोलते हैं रोम रीड ओनली मेमोरी जब भी कोई भी अधिकतर आपने देखा होगा जब आप मोबाइल स्टॉट कर, स्टार्ट करते हैं लैपटॉप स्टार्ट करते हैं घर का टीवी स्टार्ट करते हैं सेटअप बॉक्स स्टार्ट करते हैं और भी कई प्रकार के वीडियो गेम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि एक लोगो लिखा हुआ आता है या मोबाइल मैंने अभी स्टार्ट करा तो एक एक लोगो आता है और अंदर ही अंदर कुछ प्रोसेस चलती जाती है और उसके बाद मेरा मोबाइल ऑन हो जाता है अगर मैं लैपटॉप चालू करूंगा तो जिस कंपनी का भी लैपटॉप है उसका लोगो आता है और फिर वो डेस्कटॉप पर जाके चालू हो जाता है पता है सब क्यों होता है कई बार हम लोग मोबाइल में डिस्प्ले नहीं आता तो हम सर्विस सेंटर पर जाते सर्विस सेंटर वाला बोल देता है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन खराब हो गई आप आपने चले जाते हो स्क्रीन बदलवा लेते हो आपकी स्क्रीन आपको वापस से लगा दी और पैसा भी आपसे ले लिया जबकि उसके अंदर आपके मोबाइल की स्क्रीन आपका डिस्प्ले खराब नहीं हुआ था क्यों क्योंकि कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चालू करेंगे तो चालू होते से वह हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को इनिशियलाइज करेगा जैसे मैंने कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते से मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले इस बायोस में जाती है समझिएगा मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले बायोस में गई और बायोस के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है मतलब जब यह डिवाइस चिप बनाई गई बनाने के बाद इसके अंदर एक आयो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा एक एप्लीकेशन डाल दिया गया कि जो चालू होते से ही हमारे कंप्यूटर की हर इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर को सर्च करेगा जैसे कि आप मोबाइल को चालू करते सिम मत लगाइए आपका मोबाइल चालू होते से मैसेज देता है इंसर्ट सिम क्योंकि उस बायोस ने इसको सर्च किया चालू करते से मेरी जो रोम होती है उसकी रिक्वेस्ट जाती है कंप्यूटर के मदरबोर्ड के बायोस के अंदर इसे हम लोग रोम भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे बायोस भी बोलते हैं और इस बायोस का फुल फॉर्म याद रखिएगा हमेशा क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब इसका यह हुआ कि जब भी भी कोई हार्ड इसको हम कंप्यूटर को चालू करते हमारा कंप्यूटर बायोस के अंदर जाता है रोम के अंदर जाता है इसको पूरा नाम ही होता है बायोस रोम तो इसके अंदर जाता है और वो सर्च करता है आपके कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हार्डवेयर को और जैसे ही उसको हार्डवेयर मिलता है तो वह आपके कंप्यूटर के फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढेगा जैसे हार्डवेयर मिले फिर वह ढूंढेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कि आपके कंप्यूटर में कौन सा एक्सपी डाला, सेवन डाला है एट डाला है टेन डला है इलेवन जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है उससे चालू होगा और आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आके रुक जाएगा क्योंकि तो आपको तो सिर्फ कंप्यूटर चलाना था आपको विंडो से मतलब था परंतु इस प्रोसेस को किसने किया इस प्रोसेस को रनिंग किया ऑर्गेनाइज किया वो किया हमारे रोम ने तो रोम एक कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई एक चिप का नाम है जिसके अंदर एक प्रोग्राम डला हुआ रहता अब इस रोम को बांटा गया समय के अनुसार तीन अलग अलग बात में पहले आई प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल इसका मीनिंग होता है प्रोग्रामेबल अगेन रीड ओनली मेमोरी मतलब पहले अगर इस बायोस का प्रोग्राम डिलीट हो जाता था डेमेज हो जाता था पावर के कारण या किसी अन्य कारण के कारण जिससे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आता तो हम यह बोलेंगे कि एलईडी खराब है नहीं जैसे मोबाइल का बायोस डेमेज हो गया तो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आएगा परंतु यह मैं बोलूं कि मेरा डिस्प्ले खराब है ऐसा नहीं है अगर बायोस का प्रोग्राम डैमेज हो गया तो आपका आपके लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पे डिस्प्ले नहीं आएगा तो पहले क्या होता था जब प्रोम चलता था जब इसका अगर डैमेज हो गया तो हम क्या करते थे हम लोग करते थे उसका पूरा बोर्ड की बोर्ड मदर बोर्ड हम वेस्ट में डाल देते थे समय बदला टेक्नोलॉजी बदली पहले ये आया तब बायोस में चेंजेस नहीं होता था तो वो काम में नहीं आता था फिर आया हमारा फिर थोड़े समय बाद आ गया ई प्रोम ई प्रोम का मतलब हुआ इरेजेबल इरेजेबल मिटाई सकने वाली मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी इसका मतलब यह हुआ कि फिर आ गई हमारी ई प्रोम इससे क्या हुआ कि अगर आपके बायोस का ई प्रोम खराब हो जाता रोम खराब हो जाती तो आप क्या करेंगे एक न्यू रोम लाएंगे ऐसी चिप उसको निकालेंगे पुरानी चिप को जो लगी हुई थी और उसकी जगह दूसरी चिप लगा दी हमने बोला कि हमने बायोस को अपडेट कर दिया फिर क्या हुआ कि फिर हमारा यह हुआ कि भाई चिप कई समय ओल्ड मॉडल हो जाते थे नहीं मिलती थी तो प्रॉब्लम आ गई तो प्रोम के बाद आया ई प्रोम इरेजेबल यानी पुराने प्रोग्राम को हटा के नई चिप डाल दी अब ये टेक्नोलॉजी में फिर बदलाव हुआ क्या भाई अगर पुराना मदरबोर्ड दस साल पुराना है बायोस अब उसका तो सॉफ्टवेयर ही नहीं मिलेगा तो क्या बनाया गया फिर आई नया अपडेशन नया कुछ आया और इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट से अल्ट्रावायलेट लाइट से बिना बायोस को निकाले हम उसको अपडेट कर लेते तो अब बायोस अगर डेमेज हुई तो आपका पूरा डिवाइस नहीं फेंकना पड़ता हमारा उसी डिवाइस को बायोस को हम अपडेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा समय जो मोबाइल आता था तो मोबाइल को अपडेट करवाने के लिए हमें शॉप पे जाना पड़ता था टेक्नोलॉजी बदलती गई और अब आपका मोबाइल में इंटरनेट चलता है तो ऑटोमेटिकली दो अपडेट तीन अपडेट चार अपडेट ऐसे दिखाई देने लगते अपडेट का मतलब यह हो जाता है कि आपको अगर कुछ हार्डवेयर में न्यू टेक्नोलॉजी अगर बनती है आती है तो वो आपको हार्डवेयर को डिटेक्ट करके अपडेट कर देगी तो हमारी जो रोम आई वो बेसिकली कितने प्रकार की आई अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि रोम कितने प्रकार की है तो हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि हमारी जो रोम है वो देखा जाए तो कितने प्रकार की प्रोम ई प्रोम ई प्रोम इतने प्रकार की रोम होती है तो याद रखिएगा जब भी आपके अगर मोबाइल भी का अगर खराब हो तो ये मत बोलिएगा डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो डिस्प्ले खराब है भाई कभी भी अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएंगे सौ दो सौ पचास रुपए में हो जाता आप तीन हजार का डिस्प्ले बदला रहे और आपकी चीजें आपको डाल के दे जा रही इसलिए बायोस को समझना अगर आपका सेटअप बॉक्स है अगर आपकी टीवी पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आप पेनल खराब हुई नहीं आप टेस्ट करवाइए देखिए क्योंकि सब कुछ खेल है तो इस बायोस चिप का है और जब भी कोई हार्डवेयर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले रोम कोई पड़ता इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है इसे केवल पढ़ा जा सकता है तो हम बढ़ते हैं इस चीज से आगे और याद रखिएगा जब कंप्यूटर की बात आती है तो आपने देखा होगा कि हमारे पास तीन अलग अलग वर्ड याद रखना पहली चीज इसके अंदर जो सेटिंग होती है उसकी सेटिंग को बनाए रखने के लिए मदरबोर्ड पे एक सेल आता है सेल मतलब उसको हम लोग बोलते हैं सीमॉस बैटरी उसका नाम होता है सीमॉस बैटरी सेल आता है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डेट को बनाए रखता है डेट को चेंज नहीं करता है ऑटोमेटिकली अपडेट करते जाता है अगर ये सेल अगर आपके कंप्यूटर की डेट अपने आप अपडेट नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि आपके कंप्यूटर की बायोस का जो सेल है वो डेमेज हो गया तो आपको सेल केवल बदलाना पड़ेगा और सेल आपका बंद है कि चालू है कि खराब है कि अच्छा है उस सेल को आप जिप पे रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस सेल के अंदर पावर है या नहीं है तो एक आता है सिमोस इसको सिमोस बैटरी बोलते हैं और सीमॉस का फुल फॉर्म होता है काम्पली मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा मतलब एक चीप है ये जो बना है ये होते है हमारे सीमोस। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर और आपके कंप्यूटर का सेल जो है वो आपके डेट को बनाए रखता है तो ये था हमारा रोम और रोम जो आप कंप्यूटर को कभी चालू करेंगे तो जो ब्लैक स्क्रीन पे जो प्रोसेस होती जाती है वही हमारा बायोस का प्रोग्राम है चलते हैं रोम के बाद हम चलते हैं रेम के ऊपर और इस रेम का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं। इसको बोलते हैं हम लोग रेंडम एक्सेस मेमोरी भाई इसने तो कंप्यूटर को चालू करा कंप्यूटर को लाके छोड़ दिया अब कंप्यूटर के अंदर जब चालू होने के बाद जब मैं किसी कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं टाइपिंग कर रहा हूं तो अभी मैं जब तक टाइपिंग कर रहा हूं मेरा वर्क चल रहा है अगर मेरा वर्किंग चल रहा है तब तक डेटा जो होता है वो रेम में स्टोर होता है और अभी आपने फाइल को सेव नहीं किया और एकदम से लाइट चले गई तो आपका डेटा चला जाता क्योंकि ये जो रेम के ये जो रेम बैंक है इनको हम लोग रेम बैंक बोलते हैं ये धीरे 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 डिस्चार्ज हो जाता आपका डेटा स्टोर नहीं कर पाता इसलिए हम क्या करते हैं जब तक हमारा वर्किंग चल रहा है वर्किंग करके जैसे हमने सेव किया तो मेरा डेटा आपके कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चले जाएगा जो हम लोग आगे पढ़ने वाले तो जब तक कंप्यूटर के अंदर पावर होता है तब तक मेरा डेटा जहां पर स्टोर होता है वह होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में भी होता है हमारी रेम के अंदर तो चलते अपन हमारी जो रेम है इस तरीके की होती है रेंडम एक्सेस मेमोरी अगर मैं वर्ड में काम कर रहा हूं काम करते करते लाइट चले गई डाटा चला जाएगा इसलिए मैं एस करूंगा तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा अब आगे हम लोग देखते हैं तो इस रेम को बेसिकली दो भागों में बांटा गया एक स्टेटिक रेम ये लिखा है और दूसरी प्रकार की आती है कितने प्रकार की होती है तो दो प्रकार की प्राइमरी और सेकेंडरी अब बात करते प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है तो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है वो कौन कौन सी एक होती रेम और एक होती रोम वहां तक गए फिर पूछते हैं कि रेम कितने प्रकार की होती है तो एक होती स्टेटिक रेम और दूसरी होती डायनामिक रेम कंफ्यूजन इज कंफ्यूजन है याद रखिएगा थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेना थ्योरी को समझ लेना आपको कहीं से भी कितना भी घुमा के पूछे आपको कोई टेंशन नहीं है बस आपको मेथड को समझते चलना है तो यहां तक हुआ स्टेटिक रेम और डायनामिक रेम स्टेटिक रेम जब हम कंप्यूटर के अंदर देखते हैं तो एक स्टेटिक होती है और डायनामिक के अंदर आपकी रेम अलग अलग आप अलग से लगा सकते हो और हम अपने कंप्यूटर में जो ये देखा जाए तो इनबिल्ड होती है और ये हमारी एक्सटर्नल लगाई जाती है इसके अंदर कैच मेमोरी भी आती है जो अपन देखते हैं ना मोबाइल के अंदर एक इंटरनल होती है एक एक्सटर्नल होती है ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है तो ये जो मेरी रेम आती है इसके अंदर ये जो बैंक है इसके अंदर हमारा डेटा पूरा के पूरा स्टोर होते चलता है तो जब रेम अगर नहीं है कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं और रेम नहीं है तो भी नहीं चलेगा मतलब प्राइमरी मेमोरी का होना जरूरी हां सेकेंडरी मेमोरी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं पर डेटा स्टोर नहीं होगा सेकेंडरी मेमोरी अगर नहीं है तो डेटा परमानेंटली स्टोर होगा जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक चलता रहेगा पर अगर आप सोचो कि मेरा कल का डेटा मिलेगा नहीं मिलेगा इसलिए जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा और लाइट जाने पर चला जाता है इसलिए आप याद रखिएगा हर एक चीज को वन बाय वन समझते चलना आगे देखते हैं अपन अब ये आगे हमारे प्राइमरी मेमोरी के बाद अपन चलते हैं तो ये जो मेमोरी आ गई नेक्स्ट में मिलेगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी पर चलते हैं। भाई ये चीजों के बारे में बेसिकली आप अच्छे तरीके से जानते हैं हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी है एक है फिक्स्ड यानी परमानेंट और एक है रिमूवेबल मतलब बार बार रियूज करने वाली कैसे अगर आपके पास कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है दो प्रकार से डिवाइड है सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो वो इसकी डेफिनेशन ये होगी सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में एक ऐसी मेमोरी को कहा जाता है जिसमें डेटा हमारा परमानेंट स्टोर होता है मतलब स्थाई तौर पे तो मैं तो ये बोलता हूं कि हमारे कंप्यूटर में डेटा परमानेंट स्टोर सेकेंडरी डिवाइस में होता है और सेकेंडरी में भी कहां पर उसमें दो है एक है एक रिमूवेबल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई फिक्स और रिमूवेबल क्या है बट मैं आपको इन दोनों चीजों के बारे में समझाऊंगा कैसे देखिए सबसे पहली हार्ड डिस्क हम कभी भी किसी भी कंप्यूटर के अंदर जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते लाइक विंडो टेन विंडो इलेवन तो वो होता है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जो कि कई जमाने से चले आ रही पर हार्ड डिस्क हेवी आती थी वजनी आती थी उसकी प्रॉब्लम भी होती थी उसकी जगह आ गई आजकल कल एस एस डी एस एस डी और इसको बोला जाता था एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब अब ऐसी आ, आ गई आपके हार्ड डिस्क कि पहले हार्ड डिस्क यानी वन हाफ के जी की आती थी अब आपके हार्ड डिस्क आ गए हंड्रेड ग्राम की आ गई क्यों क्योंकि लाइट वेट आ गई कैसे दिखेगी ये तो मैं आपको आगे जब मैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में और बताऊंगा तो आपको एक बहुत अच्छा वीडियो में बना के दूंगा एक बहुत अच्छा लेक्चर लूंगा जो पूरा कि पूरा प्रैक्टिकली रहेगा कि हार्ड डिस्क कैसे दिखती है रेम कैसी दिखती है मदरबोर्ड कैसा दिखता है प्रोसेसर कैसा दिखता है रेम कैसी दिखती है यानी कंप्यूटर के वे इंटरनल पार्ट भी मैं आपको इस, इसी टाइप से लेक्चर में बताऊंगा जिससे आपको दिमाग में एक चीज तो आ जाए कि जिस चीज के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में दिखेगा कैसा तो ये हमारी इस फिक्स्ड स्टोरेज यानी अगर मैं कंप्यूटर में मुझे विंडोज सेवन टेन कुछ भी डालना अगर मुझे विंडोज टेन डालना हो या मुझे विंडो इलेवन डालना हो तो ये काय में डाला जाता है या तो आपके हार्ड डिस्क में या एस एस डी दोनों में डलता है परंतु डलता काय में अगर हम इसको बोले तो वो फिक्स्ड कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डाला जाएगा ठीक उसी प्रकार से रिमूवेबल देखिए रिमूवेबल का यहां मतलब क्या है भाई हार्ड डिस्क में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला फिर अगर मैं सोचू हटा के मैं यूज कर लूंगा ऐसा नहीं होगा परंतु रिमूवेबल डिस्क डिवाइस ऐसे होते लाइक फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक टेप पेन ड्राइव डी कार्ड मेमोरी कार्ड सी डी ब्लू रे डिस्क अब ये वो डिवाइस होते थे जिन्हें हम लोग रिमूवेबल बोलते रिमूवेबल का सिंपल सा मिलेंगे कि आप किसी के घर से डेटा कॉपी करके लाए मेरे कंप्यूटर में लाकर इंस्टॉल किए सेव किए या इंस्टॉल किए अब मेरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में डालने के बाद मतलब सेकेंडरी मेमोरी में डाले अब इसकी पेन कार्ड पेन ड्राइव प्रॉपी डिस्क इनमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है मैं इसको फिर से फॉर्मेट कर दूंगा किसको फ्लॉपी डिस्क इसको सीडी को फ्लॉपी डिस्क को या जो भी डिवाइस होगा अगर मैं पेन ड्राइव में डेटा लाया ये मेरे पास पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं इसको अब मैंने क्या करा एक दोस्त के यहाँ से कुछ फोटो सॉन्ग्स लाया मैंने अपने कंप्यूटर में डाल दिया अब उसका कोई उपयोग नहीं मैं उसको फार्मेट कर दूंगा फॉर्मेट करने का मतलब हुआ कि मैं उसको क्लीन कर दूंगा अब अगर मैंने उसको फार्मेट कर दिया क्लीन कर दिया फिर से उपयोग आ जाएगा फिर मैं दूसरे दोस्तों के यहां गया वहां से कुछ फाइलें डॉक्यूमेंट लाया अपने कंप्यूटर में आके हार्ड डिस्क में डाल दिया फिर मेरे कोई काम तो रिमूवेबल का मतलब ही यही हुआ कि एक ऐसी डिस्क जिसके अंदर हम डेटा बार बार री उसको कर सकते हैं इंस्टॉल करके फिर ले आए फिर डाल के आ गए फिर ले आए तो इस तरीके से हम इसके हार्ड डिस्क को बार 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 यूज में भी ले सकते हैं तो इस प्रकार से जब हम यहां पर जाते हैं ये जो चीजें दिखती कैसे है तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूं सेकेंडरी डिवाइस कैसे दिखती है हार्ड डिस्क ऐसी दिखती थी पर इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो एक दिन का पूरा बनेगा कि हार्ड डिस्क अंदर से कैसे दिखती है ये एस डी आजकल ये किलो के बराबर होती थी तो इसको ग्राम में लाके कर दिया दोनों का काम एक ही है परंतु अब लेटेस्ट जनरेशन में ये आ गए हमारे पास एस एस डी उसके बाद ये पेन ड्राइव सभी लोग जानते हैं पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम डेटा को भी बार बार री यूज कर सकते हैं एच डी कार्ड आपने देखा होगा कैमरे के अंदर लगाई जाती है जिसको पहले कंप्यूटर मोबाइल में भी लगाते थे आजकल कैमरे में ज्यादातर यूज होती है इसको हम एच डी कार्ड बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क बहुत पुरानी जनरेशन का एक स्टोरेज डिवाइस होता था आजकल तो इसका उपयोग देखने को भी नहीं मिलती है और इसी प्रकार से सी डी भी आती थी ऑप्टिकल डिस्क इनके नाम भी याद रखिएगा इनके फुल फॉर्म की भी एक क्लास होगी तो उसके अंदर यह सब तो बोलने का मतलब यही हुआ कि मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेमोरी के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाया इसके अंदर उनकी कार्य प्रणाली कैसे होगी ये वर्किंग कैसे करते हैं तो इन सभी चीजों को मैंने इसमें समझाया तो याद रखिएगा मेमोरी कंप्यूटर का वह जगह होती है वह पार्ट होता है जहां पर हमारा डेटा स्टोर होता है और इसी डेटा को स्टोर रखने के लिए भी दो तरीके होते हैं एक प्राइमरी एक सेकेंडरी मीनिंग ये हुआ कि कुछ समय तक के लिए रखना है तो वो है प्राइमरी परमानेंट रखना है तो वो सेकेंडरी और उनके बारे में भी हमने इस पूरे वीडियो के अंदर इस पूरे लेक्चर के अंदर इन्हीं चीज़ों को हमने डिस्कस किया ऐसे ही हर एक टॉपिक फंडामेंटल्स के आपको मिलते जाएंगे और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बनते जाएंगे मेमोरी कितने प्रकार की होती है मेमोरी के फुल फॉर्म क्या होंगे और इन सभी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन एम आ सकते हैं और पीजी डी या कोई रिटर्न एग्जाम वाला अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा तो चलते आज के लिए बस इतना नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे